गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जेनसेंस फॉर्मूला। जेनसेंस फॉर्मूला में क्या कह रहे हैं कि लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक इन द क्लोज डिस्क, मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू आर। एफ ऑफ जेड क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो ये एफ जेड है ये एनालिटिक होगा आपके, किस में, एक क्लोज डिस्क रहेगी आपकी, ये क्लोज डिस्क आपकी क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, इसमें वाली डिस्क के अंदर आपका एफ क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। एंड फिर क्या कह रहा है, एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। कि मॉडुलस ऑफ जेड जब आर है तो आपकी यानी इस बाउंड्री के ऊपर आपका एफ ऑफ जीरो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा और एफ ऑफ जेड है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। एंड लेट जेड वन जेड टू जेड एन आर जीरोज ऑफ एफ जेड इन द ओपन डिस्क। कि आपकी जो जीरोज हैं वो क्या आपके ओपन डिस्क में, ओपन डिस्क आपकी क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन आर, इक्वल में आता तो आपकी क्लोज हो जाती, अब ये कौन सी ओपन, इस ओपन डिस्क में क्या है आपकी जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन तक, एन क्या है जीरोज हैं, एफ फंक्शन के एन जीरोज आपकी इस वाले फंक्शन में है। रिपीटेड एन की क्या कह रहे हैं, रिपीटेड हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर मल्टीप्लीसिटी, और इसकी मल्टीप्लीसिटी के यानी जेड वन की पावर कितनी है, एम टाइम्स है तो जेड वन की एम हो जाएगी। ठीक है, ये वाली क्या कह रहे हैं मल्टीप्लीसिटी में आपकी, मल्टीप्लीसिटी में आपकी क्या है ये, इनका ऑर्डर है। देन आपके पास क्या है, लॉग मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जीरो आपके पास क्या है, माइनस में समेशन आई इज इक्वल टू वन से एन लॉग आर बाई में मॉडुलस ऑफ आर आई, प्लस में वन बाई में टू पाई जीरो से टू पाई लॉग मॉडुलस एफ आर ई रेज टू पावर आई टू फाई इसका मॉडुलस और डी फाई, ये फंक्शन आए आपके पास। तो इसमें हम कुछ चीज़ कंसीडर करके चलेंगे कि आपके पास क्या है, कि कौन सा क्या है, कहाँ से क्या है, कुछ की चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं कि ये कंसीडर कर रहे हैं कि एफ जेड आपका ये है एफ जेड इंटू में आयोटा इज इक्वल टू वन से एन आपका ये प्रोडक्ट आर स्क्वेयर माइनस में जेड आई जेड बाई में आर जेड माइनस में जेड आई। ठीक है, अब एफ जेड आपके पास गिवन है कि आपका क्या नॉन जीरो है, कब, जब आपका मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर है। ठीक है, ये चीज गिवन है तो ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला आपका एफ जेड है ये भी आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका ये एफ जेड ये वाला जो है ये एनालिटिक हो जाएगा इन डोमेन, जो आपकी कोई भी डोमेन गिवन है उस डोमेन के अंदर ये एनालिटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ये एफ जेड है ये एनालिटिक गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या दिखा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एफ जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। मॉडुलस एफ जेड आपके पास ये मॉडुलस फंक्शन लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आप क्या कर रहे हो, जेड की बजाय वैल्यू पुट कर रहे हो आर इंटू में रेज टू पावर आयोटा फाइव। ठीक है, जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एफ जेड है मॉडुलस ऑफ एफ जेड की वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, हम बाहर ले आएंगे फिर मॉडुलस फंक्शन अंदर लगा दोगे तो अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस में जेड आपका आर ई रेज टू पावर आयोटा फाइव। ठीक है, आपके पास, और आपके पास ये क्या आ रही है, आपने क्या लिया है जेड आई का कंजुगेट, तो यहाँ पे क्या है जेड आई, तो आपका ये ऊपर वाला जो जेड आई का ये कंजुगेट है ये आपके पास क्या है जेड। इसी तरीके से नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, आई आर तो मल्टीप्लीकेशन में है ही। ठीक है, तो आप क्या करो आर जेड माइनस में आर जेड आई, आर जेड कर रहे हो तो आर जेड के साथ क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या पुट करी आपने आर ई रेज टू पावर आयोटा फाइव, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर ई रेज टू पावर आयोटा फाइव। ठीक है, माइनस में आर जेड आई कर रहे, ठीक है, जेड आई का क्या है आपका जेड आई में क्या हो जाएगा आपका आर ई रेज टू पावर, सॉरी जेड आई, यहाँ पे जेड आई का कंजुगेट यही रहने दो। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों से आर कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन लेते ही आपके पास ये क्या बच गया आर ई रेज टू पावर आयोटा फाइव। ठीक है, माइनस में जेड आई, ठीक है, ये और आपके पास यहाँ पे आर है। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप आर, सॉरी आर तो आपने कॉमन ले लिया, ये आर गए, यहाँ पे ओनली जेड आई है, फिर हम ई रेज टू पावर आयोटा फाइव जो आपके यहाँ पे है हम इसको कॉमन ले रहे हैं डिवाइड किए ने। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऊपर से भी आर कॉमन लोगे, आर आर ऊपर से जब आर कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आर माइनस में जेड आई का कंजुकेट ई रेज टू पावर आयोटा फाइव। ठीक है, नीचे से जब R कॉमन लिया तो आपके पास क्या आर ई रेज टू पावर आयोटा फाइव माइनस में जेड आई।
है। फिर हम क्या कर रहे हैं, आपके पास जो ये ई रेज टू पावर आयोटा फाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से आर की वैल्यू अलग रख रहे हो, आर को यानी इसको इधर लेके जाओगे तो आपके पास ई रेज टू पावर माइनस में आयोटा फाई हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो आपने वही किया, यहाँ से आर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी आर कॉमन ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। आर माइनस में जेड आई का ये कंजुकेट, आपके पास आर था, आर कॉमन ले लिया, ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ फाई बच गया, आर माइनस में जेड आई ई रेज टू पावर माइनस में आयोटा ऑफ फाई ये बच गया। अब आपके पास जब कैंसिल आउट होगी ये बच जाएंगे आपकी वैल्यू, ऊपर क्या है जेड आई का कंजुगेट और वो क्या है आयोटा फाई, नीचे क्या है जेड आई लेकिन मल्टीप्लीकेशन माइनस में आयोटा फाई, जेड आई यहाँ पे इसका कंजुगेट करोगे तो ये ई रेज टू पावर वाला क्या नेगेटिव में आ जाएगा, ये नीचे आपके पास नेगेटिव में मल्टीप्लीकेशन है लेकिन जेड आई की वैल्यू पुट करोगे ई रेज टू पावर आयोटा फाई रहेगा, तो दोनों आपके क्या कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आ जाएगी वन। तो आप क्या कह सकते हो, ये प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का निशान है, सभी की वैल्यू क्या वन है, तो कितने भी प्रोडक्ट होगा आपके सभी का क्या हो जाएगा वन, एन टाइम्स है तो वन की पावर एन करोगे तो क्या आ जाएगा वन। तो आपका मॉडुलस ऑफ एफ जेड किसके इक्वल आ जाएगा आपके इस एफ जेड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है एफ जेड आपके पास एनालिटिक फंक्शन हो गया है, नॉन जीरो है, हम कह रहे हैं ये किस डोमेन में है, आपका मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन आर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये एनालिटिक कुछ रीजन इसमें भी रहेगा जब आपका रो है वो ग्रेटर देन आर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड आपका लेस देन ये रो रहे और रो आपकी क्या रहेगी ग्रेटर देन आर से भी ज्यादा, कुछ के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रहे ओनली कुछ के लिए बोल रहे। एंड सो लोग एफ जेड क्या है वो एनालिटिक आपके किस में होगा, क्योंकि एफ जेड आपका ये एनालिटिक किस में, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन रो में, तो लोग ऑफ एफ जेड आपका, ठीक है, ये भी एनालिटिक किस में होगा, इसी में मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन, इसमें ही एनालिटिक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट आएगा लोग मॉडुलस ऑफ एफ जेड वो क्या होगा आपके पास है हार्मोनिक। सो बाई गॉस मीन वैल्यू थ्योरम, गॉस मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास क्या कह रही है फॉर लॉग ऑफ मॉडुलस एफ जेड, इसके लिए गॉस मीन वैल्यू थ्योरम है वो आपके पास क्या है लॉग मॉडुलस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन बाई में पाई जीरो से टू पाई लॉग मॉडुलस एफ आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई का मॉडुलस डी फाई, ये आपके पास क्या है आपकी गॉस मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। तो हम पहले वाली इक्वेशन में आपके पास क्या था एफ जेड था, जेड की बजाय हम क्या जेड इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, एफ ऑफ ये जीरो, ठीक है, इधर आपके पास क्या है प्रोडक्ट में है लेकिन आर स्क्वेयर माइनस में जेड आई इंटू में क्या जीरो जेड की बजाय, नीचे आर है आपके पास लेकिन आपके पास जीरो माइनस में जेड आई, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ ओफ जीरो, जब आर यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट आपका एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कहाँ से वन से एन तक, तो आपके पास ये क्या हो गया जीरो, यहाँ से क्या रह गया आर स्क्वेयर, नीचे से क्या रह गया माइनस में आर जेड आई, एक आर से कैंसिल आउट, आपके पास टोटल क्या बच गया एफ ओफ जीरो प्रोडक्ट आर बाई में जेड आई और इसका नेगेटिव आई आपके कहाँ है वन से एन, ये आपके पास क्या आ गया एफ ओफ जीरो। अब इसका यूनिट मॉडुलस लगाओगे, ठीक है, आपके पास अब आपके पास क्या आ जाएगा ये एफ ओफ जीरो, ठीक है, पाई आप प्रोडक्ट बाहर निकाल लोगे, आर का ये माइनस आर का यूनिट मॉडुलस निकालोगे तो आर मॉडुलस ऑफ जेड आई का यूनिट मॉडुलस, ठीक है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं हम दोनों साइड एफ ओफ जीरो, यहाँ पे भी लोग ऑपरेट करोगे आप ये लोगरिथम इधर भी लोग, अब यहाँ पे क्या दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है ए इंटू में भी, तो क्या आएगा लोग ए प्लस में आपका लोग भी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लोग मॉडुलस एफ ओ जीरो प्लस में, अब ये प्रोडक्ट में ये साइन किस में आ जाएगा आपका समेसन में वन से एन लोग आर बाई में मॉडुलस ऑफ जेड आई, ये आपके पास क्या आ गए आपका लोग मॉडुलस एफ ओ जीरो की वैल्यू। इस वैल्यू को किस में पुट करोगे आपके पास जो गॉस मेंशन आपके पास गॉस मीन वैल्यू थ्योरम है इसमें ये इसकी जगह आपके लोग मॉडुलस एफ ओ जीरो की वैल्यू क्या है ये। अब आपके पास इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है तो वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा लोग एफ ओ जीरो का मॉडुलस प्लस में समेसन आयोटा इज इक्वल टू वन से एन लोग आर बाई में मॉडुलस ऑफ जेड आई, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया वन बाई में टू पाई जीरो से टू पाई आपकी लोग
आपके पास क्या गिवन है, एफ आर ई रेज टू पावर आयोटा 5, इसमें डी 5, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, आपके पास आया था एफ ओ जेड, आपके पास किसके इक्वल है, मोडुलस एफ ओ जेड के इक्वल, ये आपने प्रूव करके बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आप फिर से पुट कर दो, आर ई रेज टू पावर आयोटा 5, जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, आर ई रेज टू पावर आयोटा 5 इजिकल टू एफ आर ई रेज टू पावर आयोटा 5, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन में, ठीक है, एफ जेड और ये वाला तो आपका क्या है, सेम है, इधर क्या है आपके पास, कैपिटल एफ आर ई रेज टू पावर आयोटा 5, ये आपके क्या है, इसके इक्वल, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, और इधर आप लोग सिर्फ ये वाली रखो, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करोगे आप, लोग मोडुलस एफ ऑफ 0, इसकी वैल्यू निकालनी है, इधर माइनस में आ जाएगी, आयोटा इजिकल टू 1 से, एंड लोग आर वाई में मोडुलस ऑफ जेड आई, ठीक है। अब ये प्लस में 1 वाई में 2 पाई, 0 से 2 पाई लोग, और ये आपके पास क्या था, मोडुलस एफ ऑफ आर ई रेज टू पावर आयोटा 5, ठीक है, डी 5, यही आपको क्या प्रूव करना था, आपकी यही कौन सी आपकी जेनसन फॉर्मूला, ठीक है। बस इसमें दो चीज़ कंसीडर करनी है, एक तो आपका जो फंक्शन है वो कंसीडर करके चलना है, सेकेंड आपको क्या, आपके पास जो थ्योरम गिवन है वो क्या है, गॉस मीन वैल्यू थ्योरम, उसका रिजल्ट यूज करना है, ठीक है, हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में पॉइजन जेनसन फॉर्मूला, अभी आपने क्या किया, सिर्फ ओनली जेनसन फॉर्मूला किया है, उसके बाद आपके पास क्या है, पॉइजन जेनसन फॉर्मूला,